महाराज जी, जो बीज वाले फल होते हैं जैसे आम आदि, ये सब श्री जी को भोग लगाने के बाद प्रसादी हो जाते हैं, तो बीज को हम फेंक देते हैं, ऐसा करने से क्या? आम जो है, जब हम भोग लगाते हैं तो ऐसे पूरा आम नहीं भोग लगाया जाता। आम को पहले छिलका हटाते हैं, फिर उसका गूदा निकालते हैं, फिर उसको भोग में लगाते हैं। छिलका और गुठली तो पहले ही हटा देते हैं। भोग लगाने की प्रक्रिया में ऐसा नहीं कि अमनिया किया ऐसे रख दिया, एक एक बीज हटा। जब हम तरबूज पाएंगे तो बीज हटा पाएंगे ना, तो हम श्री जी को भोग लगाएंगे तो चाकू से एक एक बीज हटा के तब भोग लगाया जाता है। ऐसे भोग लगाते हैं, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। नहीं तो हम जैसे कैसे पाएंगे? हम बीज रहित पाएंगे ना, बीज सहित तो नहीं पाएंगे। तो जब हम श्री जी को भोग लगाएंगे तो बीज हटा देंगे, जो तरबूज लाल वाला उसका बीज हटा देंगे। और उसमें तो बहुत सुविधा है, जो छोटा वाला आता है उसको खरबूजा कहते हैं, हाँ उसमें तो बीज एकत्रित होता है, ऐसे हटा दो। लेकिन तरबूज में बीच बीच में होता है, तो हम छोटे छोटे पीस करते हैं और एक एक दाना जो बीज का है वो हटा देते हैं, फिर भोग लगाते हैं, ऐसे करते हैं। और जैसे आम बिल्कुल पका हुआ है तो उसको गिलास में निकाल कर रस रूप में भोग लगाते हैं, और जो अमनिया करने लायक है तो उसके गुठली और छिलका हटा देते हैं, फिर जो गूदा है उसको भोग लगाते हैं। ऐसे भोग लगाया जाता है, ऐसे थोड़ी कि आम ऐसे रख दिया गया, ऐसे वो भोग नहीं लगता। ऐसे रख देना भोग नहीं लगता, भोग अमनिया करके लगाया जाता है।